हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएस टेक्नोलॉजी में। आज हम टेस्टिंग के बारे में सीखते हैं, जावा विद सेलेनियम। सेलेनियम में ऑटोमेट कैसे करते हैं वो आज सीखते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं सेलेनियम एंड जावा इन्वायरमेंट, आज सीखते हैं ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे लिए जब भी हम जावा के साथ में काम करते हैं तो हमें JDK की नीड होती है, JDK इंस्टॉल करना होता है। तो सिंपली होम ओपन करेंगे और डाउनलोड JDK। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल की साइट पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है जावा 17 और 18। अब दोनों वर्जन अवेलेबल हैं, आप लेटेस्ट 18 कर सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, लाइनेक्स चला रहे हैं तो आप लाइनेक्स कर सकते हैं मैक पे, या फिर विंडोज कर सकते हैं। इस टाइम हम विंडोज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे MSI इंस्टॉलर या इंस्टॉलर से किसी से भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब इंस्टॉल हो जाए तो उसका सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे जाओ, आपको ऐसे आएगा। जब भी इंस्टॉल हो जाए और कंफर्म करना होगा कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो सीधी सी बात हम CMD रन करते हैं और जावा डैश वर्जन सर्च करते हैं। और ये JDK वर्जन हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हमें इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये कब हुआ था, ये रिलीज डेट और उसके सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके मीन्स JDK इंस्टॉल है। उसके बाद सिंपली हम बिन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और ये पाथ जो है इसका कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका एनवायरनमेंट सेट करने के लिए कि कहीं से भी हम रन करें कोई भी प्रोग्राम, तो इसलिए रन कर सकें। तो सिंपली यहाँ पे एनवायरनमेंट टाइप करते हैं और सिस्टम एनवायरनमेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ एडवांस टाइप में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, आपको सिस्टम वेरिएबल सेट करना है। सिस्टम वेरिएबल में आना और यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करना है दिस वन। एडिट पे क्लिक करना, यहाँ पे पाथ ऑलरेडी हमने गिवन कर रखा है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से हम कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे आप टैब पे क्लिक करेंगे, बस यहाँ पे आपको लोकेशन सेंड कर देंगे, फिर देन ओके देन ओके। इससे जावा में अब हम कहीं से भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है अब, और हम जो स्लैंग यूज करेंगे वो इंटेलिजेंट आइडिया से करें। तो सिंपली ठीक है, गेम ओपन करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसको हम डाउनलोड नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं कैसे करना है डाउनलोड। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। ये डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड मिल जाएगा। आपको डाउनलोड्स में ऐसे मिल जाएगी ये फाइल, ये अराउंड 600 MB के करीब में होगी जो डाउनलोड होने से बाद। यहाँ पे हमको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे अल्टीमेट एक है और यहाँ पे कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी को हमको डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड बटन से वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जस्ट डाउनलोड होने के बाद हमको डाउनलोड फोल्डर में ऐसे एक आइकन मिलेगा, ये फाइल मिल जाएगी, तो हमको डबल क्लिक करना है, रन कर लेना है इसको। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इस वजह से ऐसा पॉपअप आ रहा है, तो ओके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये इंस्टॉल करने के लिए ऐसे हमारे में इंस्टॉल है, लेकिन हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर दे रहे हैं उसको।
उसके बाद आपको आपके प्रोग्राम्स में लिख लीजिए आइडिया, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, इसको रन कर लेगा, आपको ओपन करने के बाद एक फाइल पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे मैंने सिलेनियम बना लिया, सिलेनियम। ठीक है, यहाँ पे जावा सेलेक्ट करना है, यहाँ ऑटोमेटिक आपका वर्जन जो है सेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं JDK डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये हमारा 30 विंडो, ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये। ठीक है, लेकिन अब बात आती है सेलेनियम कैसे इंस्टॉल करेंगे। जस्ट हम क्रोम पे जाते हैं और सेलेनियम HQ HQ सर्च करते हैं। इसके यहाँ से भी डाउनलोड्स पे आप जा सकते हैं और यहाँ से भी सेलेनियम डाउनलोड्स से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम होम पेज पे चलते हैं इसके, पहले वहाँ से नेविगेट करेंगे डाउनलोड्स टैब के लिए। तो कि फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो भी चाहते हैं सिलेनियम सीखना जावा के साथ में। आपको ऐसे एक पेज लोड होगा, तो आईडी और वेब ड्राइवर हमने इंटेलिजी आईडी से करने, तो यहाँ से डाउनलोड कर लिया। तो इस कॉल करते हैं नीचे, या फिर डाउनलोड टैब पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं। ठीक है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऐसे डाउनलोड का पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे सिलेनियम क्लाइंट्स एंड वेब ड्राइवर लैंग्वेज बाइंडिंग्स, ये, और आपको यहाँ से हम सिलेनियम जो है C#, रूबी या जावा या पाइथन, जावास्क्रिप्ट सभी के साथ में काम कर सकते हैं। तो हम जावा के साथ में कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है जावा पे क्लिक करेंगे स्टेबल वर्जन पे। ठीक है, ये आपको ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपको वो कुछ इस तरह से आती है, हमने पहले से डाउनलोड कर रखी है, रीड नहीं है, कैंसिल कर देते हैं इसको, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐसी एक फाइल मिलेगी, इस पर सिंपली राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना। विनरार के साथ में ऐसा होता है, जब विनरार आप नहीं रन कर रहे होते हैं विनरार, ठीक है ऐसे आएगा आपको, आप ऐसे कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और आप एक ये लाइब्रेरी का फोल्डर मिलेगा आपको। ठीक है, आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा अपने पास से, जिसमें कि AJR फाइल्स या सेलेनियम की फाइल्स जो है आप कॉपी करके रख पाएंगे। तो सीधे सी बात, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाते हैं और एक न्यू सेलेनियम फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, इसको फटाफट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सारी इस फोल्डर में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मूव हो जाएगा। देन कुछ 4 फाइल्स रिप्लेस करने को होता है, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जब सेलेनियम फोल्डर में आएंगे तो यहाँ से भी सारी ये फाइल्स कॉपी करके हम जो नया फोल्डर बनाया है उसमें पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, सिलेनियम का फोल्डर ये हो गया। ठीक है, इसमें हम 4 फाइल्स अपने डाल लें। ठीक है, अब इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने आईडी में,
तो जस्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और देन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बात और बता दें आपको, यहाँ पे आप जब एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे, हमने इंस्टॉल कर रखा है तो इस वजह से आपको यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज शो हो रही, वैसे आपको नहीं मिलेंगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये JDK की हैं अभी तक आप। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे फिर फाइल्स देन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, देन हमको मॉड्यूल पे क्लिक करना है और ये प्लस की बटन पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे जार फाइल डायरेक्टरीज आएगा और लाइब्रेरीज आएगा, तो हमको जार फाइल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चूज करना है जहाँ पर हमने जार फाइल्स अपनी अभी नए वाले फोल्डर में कॉपी की थी। ठीक है, तो हमने डॉक्यूमेंट्स में की थी, डॉक्यूमेंट्स में सिलेनियम फोल्डर में। ठीक है, इसको सिंपली शिफ्ट के साथ में और जो डाउन एरो बटन होती है उसके साथ में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सारी फाइल्स हमारी रहेंगी, देन अप्लाई, देन ओके। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारी जैट फाइल्स हमारी अपडेट हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमको करना होता है यहाँ पे, जैसे हमने क्रोम पर ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है, तो आप क्रोम का पहले वर्जन चेक कर लेते हैं, हेल्प में जाएंगे और अबाउट क्रोम। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है हमारा 1.04.0.5.11.2.82, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, न्यू टैब में जाएंगे और फिर डाउनलोड क्रोम ड्राइवर फॉर, और यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, ये क्रोम ड्राइवर chromium.org एक साइट ओपन करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जो अब है वो ये आ चुका है, तो आप इसको जो है यहाँ पे, अब हमने जो कॉपी किया था वो ये वर्जन था 1.4.0.5.11.2, तो आप यहाँ से इस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में क्या करना है, आपको लेटेस्ट वर्जन ही करना है। ये देखो यहाँ पे कह रहा है करंट, इफ यू आर यूजिंग क्रोम वर्जन 1.05 प्लीज डाउनलोड क्रोम ड्राइवर 0.5, इफ यू आर यूजिंग 1.04 प्लीज डाउनलोड 1.0.4। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये वर्जन डाउनलोड करना है। अगर आपका क्रोम लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे ये यहाँ पे रिलॉन्च करते हैं एक बार हम। ठीक है, ये क्रोम हमारा अप टू डेट है। ठीक है, अभी के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है क्रोम का वेब ड्राइवर जो है वो अपडेट होके 1.05 आ चुका है, जबकि अभी तक क्रोम वर्जन हमारा 1.04 ही है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये डाउनलोड करना है यहाँ से, शायद नेट के इशू से ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो हम आपको बता देते। जो लेटेस्ट है वो हमारे पास डाउनलोड है। ठीक है, तो अभी वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वहाँ। आपको जस्ट एक फोल्डर मिलेगा क्रोम ड्राइवर, आपको उसके अंदर एक फाइल मिलेगी, ये हमारे पास पहले की है, लेकिन आपको एक ही फाइल मिलेगी जो लेटेस्ट होगी। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे अब जहाँ पे जार फाइल्स रखी है। ठीक है, सिलेनियम के, तो एक नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर।
ड्राइवर का, या सिलेनियम ड्राइवर आप बना सकते हैं, ड्राइवर सिलेनियम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप टेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर अब सिलेनियम और रेडिएटर टेस्ट करने के लिए, तो आप टेस्ट कर सकते हैं एनीथिंग, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल कोड लिख लेते हैं इंटेलिजी आईडिया में, इसे हमें रन करना है। सबसे पहले जो है एक पैकेज हम बना लेते हैं, पैकेज com.selenium, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहले हम पैकेज इंपोर्ट कराते थे जावा में, वैसे यहाँ पे भी उनको इंपोर्ट करानी है तीन चीज़ें। तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट org.openqa.selenium, यहाँ पे शायद जा फाइल्स अपलोड नहीं हो पाई हैं सारी, इस वजह से या ऑटो करेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये कुछ फाइलें हैं। इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगेन हम एक बार फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे, आप जाएंगे, मैं पेस्ट की थी डॉक्यूमेंट्स में, देन सिलेनियम, नहीं सिलेनियम, यस राइट सिलेनियम, फिर सेलेक्ट कर लेंगे सारी फाइल्स, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे, सारी फाइल्स इंपोर्ट हो जाएंगी, 59 मोर फाइल्स, ठीक है। ओके कर देंगे यहाँ पे। अब हम org.openqa.selenium, और हम काम करना चाह रहे हैं क्रोम के साथ, जस्ट क्रोम, क्रोम ड्राइवर, ठीक है। और सेकेंड चीज जो हमको इंपोर्ट करना नेसेसरी है, org.openqa.selenium.webdriver, दो फाइल दो इंपोर्ट कर लेते हैं दो चीज़ें। फिर जैसे ही हम ये वाइड मेन के अंदर आते हैं फाइल्स के अंदर, यहाँ पे एक हम कोड लिखते हैं, यहाँ से अपनी कोड स्टार्ट हो जाता है, पार्ट ऑफ कोड यहाँ से स्टार्ट होता है लिखना। पहले हम सेट कर लेते हैं पाथ का, पाथ जहाँ से हमको रन करना होता है, जिसे हमको अब क्रोम पे काम करना है, तो उसकी सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमको टाइप करना होता है वेब ड्राइवर ड्राइवर डॉट सेट क्रोम डॉट ड्राइवर, सिंपल, इन कॉमा। यहाँ पे हमको पेस्ट करना होता है जहाँ पे हमने क्रोम का वेब ड्राइवर जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ, डाउनलोड करके रखा हुआ, सॉरी, तो हमने डॉक्यूमेंट में रखा था ड्राइवर सिलेनियम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और स्लैश करेंगे और नीचे फाइल्स को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये आपको फिर करके दिखा दे रहा हूँ, ये आप जैसे यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ फोल्डर तक की आपको लोकेशन मिलेगी, लेकिन आपको क्या चाहिए तो आप स्लैश इंटर करेंगे और नीचे वाले फाइल कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी, या यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद
अब हमको जो है क्रोम ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर देन आप जैसे हम ऑब्जेक्ट सेट करते हैं ओप्स में, यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट MS ड्राइवर है, ठीक है, इक्वल टू न्यू क्रोम पे हम काम करने जाए क्रोम ड्राइवर, ठीक है, इंटर करेंगे। इतना ही रन करके देखते हैं एक बार कि अभी तक क्रोम हमारा लॉन्च होता है या नहीं, ठीक है। सिंपली राइट क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और रन करते हैं, या नाउ क्रोम इज ओपन। तो गाइज आगे की वीडियोस में बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग, तो बने रहिए MS टेक्नोलॉजी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।